हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स अफेयर्स में में आज बात करेंगे हम 29 सितंबर के के करंट की कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश भोपाल नगर स्थित रविंद्र भवन क्या है तो विशाल है दूसरा जो प्रश्न था प्रसिद्ध द्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित थे तो इसका जो सही आंसर है वो है देवास प्रतिभा श्रीवास्तव ने अच्छा आंसर अच्छा किया अच्छा अच्छा है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित रविंद्र भवन एक विशाल सभागृह है रविन्द्र भवन का उद्घाटन प्रोफेसर हुमायूं कबीर द्वारा उन्नीस में किया गया था यहाँ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक शैक्षणिक तथा कलात्मक आयोजन वर्ष भर होते रहते हैं जैसे नाटक जो है उनका मंचन यहाँ पर किया जाता है कई बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं दूसरा प्रश्न था प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व का संबंध देवास से था कुमार गंधर्व का जन्म कर्नाटक के धारबाड़ में 8 अप्रैल 1924 को हुआ था पूरा नाम था शिवपुत्र इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था अड़सठ वर्ष की उम्र में 12 जनवरी उन्नीस को देवास में इनका निधन हो गया था इनकी मुख्य रचनाओं की बात करें तो उड़ जाएगा हंस अकेला बोरचेता झीनी झीनी चदरिया सुनता है गुरु ज्ञानी आदि हैं कुमार गंधर्व की स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गंधर्व कुमार गंधर्व पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है उन्नीस सौ बानवे तिरानवे में इसकी स्थापना की गई थी सम्मान स्वरूप एक दशमलव दो पांच लाख रुपए यानी कि सवा लाख रुपए और सम्मान पट्टिका अर्पित की जाती है प्रथम कुमार गंधर्व सम्मान दिया गया था अजय चक्रवर्ती को देवा से संबंधित प्रमुख तथ्य की अगर बात करें तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है नदियों में नर्मदा कालीसिंध जामनेरा जामी आती है नोट छापने का कारखाना है आई प्रमाणन वाला पहला थाना देवास का है मध्य प्रदेश का पहला थाना है जो आई प्रमाणित किया गया था पर्यटन स्थल की बात करें तो पहाड़ी पर स्थित माँ चामुंडा छोटी माता तुलजा भवानी बड़ी माता का मंदिर है इस स्थान को टेकरी भी कहा जाता है टेकरी की तलहटी पर शीलनाथ धूनी गोरखनाथ संप्रदाय के संत शीलनाथ महाराज के अनुयायियों के लिए श्रद्धेय स्थान है कांवड़िया पहाड़ी पंबार छतरिया आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है ठीक है आज का हमारा पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है तो ये कमेंट करके बताना है साथ में आपको जिले की जानकारी से संबंधित देनी है दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस नदी पर बोध जल विद्युत परियोजना स्थित है तो आपको ये दो प्रश्न कमेंट करके बताने हमारा करंट आउटलुक अवेलेबल है जुलाई तक का पूरा है और करंट आउटलुक सिक्स मंथ एडिशन भी है वो मंथली भी अवेलेबल है एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में मंथली में जो होता है उसमें हमारा नेशनल करंट अफेयर का वन लाइनर्स हम रखते हैं इसके अलावा इसमें एमपी करंट अफेयर के कुछ एम भी रहते हैं सिक्स मंथ एडिशन में आपको दो चीजें नहीं मिल पाएंगी रामबाण नोट्स भी हैं साइंस का सार भी है विज्ञान की समरी भी है क्लास आठ से लेके दस तक की चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न है हमारा हाल ही में प्रदेश के किस जिले में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान तथा मत्स्य महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दतिया हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर यानी कि केंद्रीय कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ठीक है नरेंद्र सिंह तोमर ने सत्ताईस सितंबर को वर्चुअल कार्यक्रम से दतिया के नौनेर में कहा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान तथा मत्स्य महाविद्यालय का शिलान्यास किया है यह महाविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि महाविद्यालय झांसी से संबद्ध होगा 350 करोड़ रुपए की इसमें कुल लागत आएगी एक एकड़ में ये एक महाविद्यालय बनाया जाएगा और डेढ़ साल में इसका कार्य जो है वो पूरा होगा देखिए बात करते यहाँ पे पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की बात आई है तो मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में भी बात करें जबलपुर की तो जबलपुर में नानाजी देशमुख नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है इसकी स्थापना 2009 में की गई थी ठीक है ये पशु विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो एक ही है मध्य प्रदेश में दूसरी अगर बात करते हैं हम कृषि महाविद्यालयों की तो मध्य प्रदेश में वैसे यूनिवर्सिटीज की बात करें तो जैसे एक आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय हो जाएगा ये जबलपुर में है उन्नीस में स्थापना हुई थी ठीक है जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ठीक है दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ये ग्वालियर में है आपका जिसे हम जानते हैं राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना करी गई थी 2008 में ठीक है तो प्रमुख दो कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की अगर बात करें तो आठ महाविद्यालय कृषि के अभी प्रेजेंट में हैं जिनमें से एक जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय जबलपुर में है ये यूनिवर्सिटी है ठीक है ये महाविद्यालय ठीक है जो आपका जे ये मैंने बताया था ये आपकी यूनिवर्सिटी है इसी से संबद्ध एक आपका आ, दूसरा जो है वो क्या है आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय ये भी जबलपुर में है एक आपका ग्वालियर में भी इससे संबंधित महाविद्यालय है जो आपका विजया राज्य है ठीक है ये अलग अलग नहीं है एक्चुअल में यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही ये चलाए जाते हैं ठीक है जैसे अगर हम बात करें आर भी यूनिवर्सिटी है ठीक है छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आर भी एक यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित दूसरी चीज इसी के अंतर्गत यू आई कॉलेज है जो इंजीनियरिंग करवाता है ठीक है यू ये यहां इंजीनियरिंग की डिग्री देता है ऐसे ही सेम आपकी यूनिवर्सिटीज हैं और इनके अंतर्गत ही महाविद्यालय हैं। तो दो महाविद्यालय तो आपके हो जाएंगे जबलपुर और ग्वालियर के सेम नाम से इसके अलावा सीहोर इसके अलावा आपका मंदसौर सागर आपका छिंदवाड़ा खंडवा आपका गंजवासोदा ठीक है गंजवा और सागर वाला जो है आपका ये खुरई में है ये ये विदिशा जिले में आपका आ जाता है ठीक है तो ये इतने हैं एक्चुअल में छेदवाड़ा का जो है इसको हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय कहा जाता है बाकी ये सारे आपके कृषि महाविद्यालय हैं, ठीक है तो इस तरीके से टोटल आठ कृषि से संबंधित आपके यहां मध्य प्रदेश के अंदर महाविद्यालय हो जाएंगे अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के कितने किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ दिया जा रहा है तो इसका जो सही आंसर है यह है आपका एक लाख बहत्तर हजार किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के द्वारा ये जो अंतरित की गई है कौन सी राशि ये बीमा राशि ठीक है और यहां पे बात करते हैं योजना का लाभ कितने किसानों को दिया जा रहा है यानी दिया जाएगा कुल तो कुल की बात करें तो ये सतहत्तर लाख किसान है कुल कितने लाख किसान है सतहत्तर लाख किसान है अभी हाल में सौ करोड़ रुपए जो आ, मतलब मौसम आधारित उद्यान की फसल बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत तो ये सौ करोड़ रुपए एक लाख बहत्तर हजार किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के द्वारा ट्रांसफर करे गए हैं ठीक है और मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के अंतर्गत एक लाख पचहत्तर हजार किसानों के खाते में दो दो हजार रुपए की राशि सिंगल क्लिक के द्वारा अंतरित की गई आपको पता है इस योजना के अंतर्गत छह हजार रुपये जो है वो किसके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और दो दो हजार करके चार हजार रुपये आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें दिए जाने हैं तो इसका लाभ कितने लोगों को मिलने वाला है लाभ मिलने वाला है करीब सतहत्तर लाख किसानों को ठीक है किसान कल्याण योजना पर करीब बत्तीस करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है मतलब इतना व्यय जो है वो इस पे होने वाला है इसके अलावा इन्होंने अभी हाल में ऐप का लोकार्पण किया है जिसे राजस्व विभाग के द्वारा बनाया गया है ये मुख्यमंत्री ने किया है जमीनों की जो जानकारी है वो सरलता पूर्वक उपलब्ध हो जाएगी किसानों को तो ये ऐप किसानों के लिए बनाया गया है बनाया किसने है बनाया है राजस्व विभाग ने ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है आपको बनाया किसके लिए गया है और किसने बनावाया बनाया है अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने प्रदेश में फल और सब्जी की पहचान स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं तो ये करोड़ रुपए हैं सात हजार पांच सौ करोड़ रुपए तो प्रदेश के जिलों में फल और सब्जी की पहचान स्थापित करने के लिए सात हजार पांच सौ करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए सरकार के एक निर्णय के अनुसार एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिलों के मुख्य कृषि उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे और ये जो पैसा है ये पैसा इसी तरीके से खर्च किया जाएगा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि मिशन के अंतर्गत इन फसलों की गुणवत्ता सुधार सोल्टिंग ग्रेडिंग ग्रेडिं, पैकिंग आदि कर इस प्रकार वैल्यू एडिशन किया जाएगा जिससे विदेशों में भी प्रदेश के कृषि उत्पादों की मांग बढ़े देखिए एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है यह है मेन उद्देश्य एक तरीके से जीआई टैग जैसा आप समझ सकते हैं इसको जहां पे जरूरत होगी जीआई टैग दिलाया जाएगा जहां पे जरूरत होगी एक जिले की एक फसल को प्रमोट किया जाएगा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से ये जो काम है वो चलने वाला है जिलों में एक्सपोर्ट क्लस्टर भी स्थापित किए जाएंगे इस मिशन के अंतर्गत कृषि अधोसंरचना के लिए कम ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा ठीक है 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 तो यह भी एक खास चीज अंदर रहने वाली ऋण है। है जो है वो किसानों को कृषकों के उत्पादक संघों को कृषक सहकारी संघों को ही प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा मतलब किसानों किसानों के के लिए लिए ही एक तरीके से या किसानों के लिए जो संघ काम करते हैं उनके लिए ऋण सुविधा उपलब्ध होने वाली है आगे बात करें तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर इन्होंने ग्वालियर जिले में स्थित सागरताल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की हुई है सागरताल ग्वालियर का जो वाला एरिया है 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 ठीक वहां उसी के पास में स्थित इस तो इसको पर्यटन स्थल इस की तरह इसको विकसित किया जाएगा अगला प्रश्न है गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान में की गई रैंकिंग में किस नगर निगम ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है देखिए आपको पता है गंदगी भारत छोड़ो अभियान एक चलाया जा रहा था भारत सरकार के द्वारा तो इसी में मध्य प्रदेश सरकार ने अपना जोड़ दिया था गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश ठीक है तो इस अभियान में प्रदेश स्तर के जो नगरी निकाय हैं उनकी उनमें एक रैंकिंग की गई है ठीक है नगरी निकायों में किए गए कार्यों के आधार पर इस रैंकिंग में पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में इंदौर ने सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है ठीक है ध्यान रखिए पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में दूसरी अगर बात करें पांच लाख तक की जनसंख्या की नगर निगमों में देवास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है ठीक है यह ध्यान रखिए तीसरी चीज है एक से पांच लाख तक की अगर जनसंख्या वाला जो नगर पालिकाएं हैं उनमें पीथमपुर ने पच्चीस हजार से एक लाख के बीच में ग्वालियर संभाग की राघोगढ़ ने और पच्चीस हजार से कम की श्रेणी में मुगावली नगर परिषद ने यह आपका गुना के अंदर आएगा मुगावली आपका अशोक नगर के अंदर आया तो नगर ये नगर परिषद है ठीक है तो ये अलग अलग कैटेगरी के, के हिसाब से आपको अलग अलग याद रखना है ये तो महत्वपूर्ण है ही पांच लाख से अधिक है एक रेंज पांच लाख तक की है ठीक है दूसरा है आपका एक से लेके पांच लाख तक की रेंज है ठीक है फिर आ जाती है आप ये ये मतलब ये पीथमपुर हो गया आपका ठीक है फिर आ जाएगा आपका पच्चीस हजार से एक लाख तक तो पच्चीस हजार से एक लाख तक की जो रेंज है उसमें राघोगढ़ आ जाएगी आपकी और पच्चीस हजार से कम की जो श्रेणी है उसमें आपका मुगाव लिया जाएगा ठीक है इस रैंकिंग की प्रक्रिया में 360 डिग्री फीडबैक का प्रयोग किया गया है इस दौरान प्रदेश के पांच लाख सतहत्तर हजार नागरिकों ने शहरों की स्वच्छता और उनके अभियान से जुड़े अनुभवों पर फीडबैक प्राप्त किया गया मतलब पांच लाख सतहत्तर हजार नागरिकों ने इसमें फीडबैक जो है वो दिया हुआ है तो गाइस ये पूरा था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें